किशनगंज में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। यही वजह है कि शहरों से लेकर गांवों तक लोगों को माइकिंग कर जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं और कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। बिहार में आज लॉकडाउन की घोषणा होते ही किशनगंज शहर में भीड़ उमड़ आई। लोग सड़कों पर निकल पड़े। भीड़ इतनी कि 45 कदम की दूरी चलने के लिए 45 मिनट से भी अधिक का वक्त लग रहा था। भीड़ देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ ईद को लेकर लोग खरीदारी के लिए दुकानों में भीड़ जुटा रहे हैं, तो वहीं रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हुजूम लगना सामान्य बात है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कोरोना संक्रमण को रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। ये जाम कल जो लॉकडाउन का घोषणा हुआ है, उसके बाद जाकर के आज मंगलवार के दिन कपड़ा वगैरह में छूट मिला है दुकान को, और कल लॉकडाउन हो रहा है। इसके लिए लोग क्या है कि उमड़ पड़े हैं, और मतलब पहली बार देख रहे हैं किशनगंज के अंदर में इतना भयंकर जाम। अब 45 कदम चलने के लिए 45 मिनट से ज़्यादा समय लग गया, और प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं एक आप देख लीजिए, पुलिस वाला कहीं नहीं दिखाई दे रहा है जाम छुड़ाने के लिए। मतलब लोग एक दूसरे के ऊपर में उमड़ रहे हैं। जी, अभी ईद का त्यौहार है, जिसके वजह से जो है सारे लोग मार्केट करने के लिए निकले हुए हैं, और कल जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हो गया है कि आगे जो है 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा, इस वजह से भीड़ जो है और तीगुनी हो गई, जिसके वजह से दुकानों में रोड पे काफी। तो कोरोना महामारी को लेकर के बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है, ऐसे में ये भीड़ कहीं ना कहीं इस बीमारी को और आमंत्रित करेगा। जी, आज जिस हिसाब से भीड़ हुई है मार्केट के अंदर में, उससे डर है कि महामारी और बढ़ सकता है। लेकिन बिहार सरकार ने जो कदम लिया है लॉकडाउन का, वो एक अच्छा कदम है, ऐसे लोगों को बीमारी से जो है निजात मिले जा रहा है शहर में। देखिए, कल से लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन जो पहले लागू की गई थी, उसमें और सख्ती लाई गई है। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट सेवाएँ अपने निर्धारित समय पर समय अनुसार कार्य कर सकेगी, जैसे किराना की दुकान, फल सब्जी, दूध, मीट मांस मछली अंडा और दूध, और जो इम्पोर्टेंट सेवाएँ हैं वो अपना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुल सकेगी और उसकी बिक्री की जा सकेगी। लेकिन अन्य चीज़ें जैसे हॉस्पिटल, दवा की दुकान, वो पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, वो अपने सामान्य रूप से कार्य करेगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं रहेगा। लेकिन सभी सेवाएँ बंद रहेगी, सभी दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन लेबर इंटेंसिव जैसे कि विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन से संबंधित सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़, ये बिक सकेगी, निर्माण कार्य चल सकेगी, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, ताकि रोजगार गरीबों को सृजन रहे। साथ ही साथ 2 महीने का अनाज PDS के माध्यम से उस सभी राशन कार्डधारी को निःशुल्क दी जाएगी, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इस मई और जून में 2 महीने का अनाज दिया जाएगा NFSA और PMGKY दो योजनाओं के अंतर्गत, उसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा, वो निःशुल्क होगा, सभी को फ्री मिलेगा। क्या अपील करेंगे सर लोगों से? लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आपके सुरक्षित रहने, घर में रहने से इस कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सकेगा, और हम इस तरह COVID-1 में सब लोग मिलजुल कर प्रशासन और आमजनों के सहयोग से हम लोगों ने विजय प्राप्त की थी, और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यकाल में भी हम लोग सभी लोगों के सहयोग से, मीडिया कर्मियों और पब्लिक के सहयोग से प्रशासन इसमें सफलता हासिल करेगी। धन्यवाद सर।